हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आपको अपडेट दी जाएगी पीईटी आवेदन से संबंधित, इसके साथ ही दोस्तों रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट आपको देना चाहूँगा, जो आज की सबसे बड़ी अपडेट है, वो अपडेट है कि कई छात्रों द्वारा कई जिलों में ज्ञापन दिया गया है पीईटी के आवेदन तिथि को लेकर, कि पीईटी का जो आवेदन है वो फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि लगभग 10 लाख स्टूडेंट जो है पीईटी का आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो जैसे कि कानपुर जिला हुआ, इलाहाबाद जिला हुआ, इसके साथ ही दोस्तों शामली जिला हुआ, यानी कि कई जिलों में छात्रों ने डीएम ऑफिस पे जाकर ज्ञापन सौंपा है, डीएम से अपनी बात कही है कि इसके आवेदन को लेकर आप आयोग से संपर्क कीजिए और वहां से इसके आवेदन तिथि को बढ़ाए जाने की डिमांड स्टूडेंट जो है कर रहे हैं। तो हो सकता है कि दोस्तों ये बात यदि पहुँच जाती है आयोग तक और इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस बात का और दबाव बनता है, तो आपको आवेदन के लिए फिर से मौका मिल जाएगा। और दोस्तों, मिलना भी चाहिए उन स्टूडेंट के लिए, काफ़ी दुखदाई है जो लगभग 4 साल से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाले जैसे कि लास्ट दिनों में 4 दिन तक ऑफिशियल वेबसाइट पे UP SSC का ऑफिशियल वेबसाइट जो चला नहीं, और इस वजह से छात्र जो है आवेदन नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पहले भी परेशान थे, इसके साथ ही रिजल्ट को लेकर भी परेशान है। तो इस वजह से आयोग तो अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन दोस्तों यदि आवेदन तिथि आ जाती है तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी आपके लिए और उन स्टूडेंट के लिए जो लोग आवेदन नहीं किए हैं। तो दोस्तों, हमारी भी यही उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाइए। और दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी अपडेट मिला है कि यदि इससे भी बात नहीं बना तो पीटी के जैसा कि एग्ज़ाम डेट 20 अगस्त को कंडक्ट करवाना है, ये घोषणा हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। इसके पहले ही स्टूडेंट जो है छात्र प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे कि पीटी का आवेदन तिथि बढ़ाया जाए। तो ये बात दोस्तों देखिए कहाँ तक होता है। और जैसा कि 28 तारीख को जो धरना हुआ था, स्टूडेंट ने धरना दिया था और पीईटी की बात को लेकर उन्होंने बताया था कि पीईटी का जो है आवेदन तिथि बढ़ाना चाहिए, लेकिन आयोग ने इस पे अपनी मनमानी की और उन्होंने आवेदन तिथि नहीं बढ़ाया। तो छात्रों द्वारा तो ये डिमांड की जा रही है कि आवेदन तिथि को बढ़ाया जाए, और ये बात दोस्तों आपको अगले हफ्ते तक कन्फर्म हो जाएगा कि इसकी तिथि जो है बढ़ेगी कि नहीं। इसके साथ ही दोस्तों, रिजल्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक रिजल्ट आपको हफ्ते दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, वो रिजल्ट है होम्योपैथी की, और इसके सेकंड लिस्ट जल्द ही जारी होने वाला है। तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा लोअर टू 2016 का रिजल्ट और आबकारी सिपाही का रिजल्ट इस महीने यानी जुलाई में ही जारी किया जाएगा, और इसी सभी रिजल्ट पे काम चल रहा है। अब कब जारी होगा इसका एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दोस्तों जैसा अपडेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाती है। तो जैसा कि आज की जो अपडेट मिली है होम्योपैथी के रिजल्ट की, मंडी वाले स्टूडेंट भी आवाज़ उठा रहे हैं कि मंडी का रिजल्ट सर कब तक आएगा। तो दोस्तों, आपको बता चुका हूं कि अगस्त माह में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और परेशान होने वाली बात भी है, तो आप लोग अब इंतज़ार थोड़ा सा और कर लीजिए, आपके लिए केवल इसी महीने का इंतज़ार करना है। मे बी जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि लास्ट जुलाई तक भी रिजल्ट जारी हो सकता है, या फिर रिजल्ट लास्ट जुलाई तक नहीं जारी होगा, मैक्सिमम जो लेट होने वाला है वो अगस्त माह में 100% जैसा कि अपडेट मिल चुका है कि ये रिजल्ट आपका मंडी परिषद का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं कि मंडी का रिजल्ट कब आएगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ही आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। अब दोस्तों, हम बताएंगे आपको पीईटी की तैयारी के बारे में। दोस्तों, यदि पीईटी का तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पीईटी का जैसा कि 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा और इसके थ्रू बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती और भी तमाम भर्तियां हैं, जैसे उसमें जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ ही दोस्तों अकाउंटेंट की भी पोस्ट हैं। तो इस वजह से आप लोग को पीईटी आवेदन जो लोग कर लिए हैं वे लोग अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग अपनी तैयारी पे विशेष रूप से फोकस करें, और आने वाले दिनों में जो भी मेंस का एग्ज़ाम होगा भर्ती के थ्रू, तो उसके लिए आप लोग अपनी अभी से प्रिपेयर रहें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ दोस्तों, चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।